हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। जिस स्टॉक को हमने लाइस करने वाले, इस स्टॉक का नाम है श्री रेणुका सुगर्स लिमिटेड। इस स्टॉक में गाइस में पकड़ ट्रेडिंग सेशन में 48 रुपीस के लेवल गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, जिसके बाद स्टॉक में 52 रुपीस तक के लेवल ऊपर में देखने को मिले। इसके साथ स्टॉक में गाइस में पकड़ ट्रेडिंग सेशन में 5% तक की रैली देखने को मिली थी, लेकिन स्टॉक ने प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक नहीं कर पाया, जिसके बाद स्टॉक में हमें 49 रुपीस के लेवल पर क्लोजिंग देखने को मिली थी। इसके साथ यहाँ पर देखे, इसके वॉल्यूम में गाइस में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली थी। 140 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम स्टॉक में पकड़ ट्रेडिंग सेशन में गिरता हुआ दिखाई दिया। लेकिन अगर स्टॉक में गाइस इसका रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक हो जाता है, तो गाइस इसके बाद हमें 30% तक के मूव आउट स्टॉक में देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अगेंस्ट अगर स्टॉक में इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, जो कि गाइस 44 रुपीस का लेवल है, तो गाइस इसके बाद हमें बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिलेगी, जिसको आज के वीडियो में एनालाइज करने जा रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देर के स्टॉक के चार्ट को थोड़ा डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे लेवल्स कौन से रहेंगे, कहां पर हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। स्टॉक के चार्ट को गाइस अगर मंथली टाइम फ्रेम पर एनालाइज करें, हमारे लिए प्रीवियस स्टॉक सपोर्ट लेवल है गाइस 36 रुपीस का लेवल, और ऊपर में हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल जो है गाइस 68 रुपीस का लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस लेवल है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में देखें 2 इयर्स हो चुके हैं गाइस, स्टॉक लगातार इस रेंज के बीच में कंसोलिडेट करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर 1 डे के टाइम फ्रेम पर स्टॉक को एनालाइज करें और यहाँ पर देखें गाइस, इसके वॉल्यूम में कल के ट्रेडिंग सेशन में भारी भरकम गिरावट देखने को मिली है। 113 मिलियन से ज्यादा वॉल्यूम कल के ट्रेडिंग सेशन में गिरता हुआ दिखाई दे, जो कि गाइस पिछले 2 मंथ में कभी भी देखने को नहीं मिले थे। अब इसके बाद स्टॉक में गाइस हमारे लिए ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल जो रहेगा, स्टॉक का प्रीवियस हाई 53 रुपीस का लेवल रहेगा, क्योंकि स्टॉक 2 टाइप्स इस लेवल को ब्रेक नहीं कर पा और इस लेवल से हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी, जिसके बाद स्टॉक में हमें 44 रुपीस के लेवल पर स्टॉक सपोर्ट लेवल देखने को मिला था, जिसके बाद फिर से रिकवरी देखने को मिली और स्टॉक में गाइस इसके प्रीवियस हाई का फिर से ब्रेकआउट देखने को मिलने वाला। अगर स्टॉक गाइस मंडे को इस रेंज का ब्रेकआउट दे जाता है, तो गाइस इसके बाद वापस टारगेट रहेगा स्टॉक में 58 रुपीस का लेवल रहेगा, देन सेकंड टारगेट स्टॉक में इसके बाद गाइस 68 रुपीस तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं, और जिसको गाइस स्टॉक के करंट लेवल से लेकर ऊपर में लॉन्ग पोजीशन टू की मदद से अपन टारगेट देखकर, तो गाइस हमें 15% से लेकर ऊपर में 38% तक के टारगेट आने वाले लॉन्ग टर्म में देखने को मिल सकते हैं। अगर स्टॉक में 53 रुपीस के लेवल का ब्रेकआउट हो जाता है, तो और स्टॉक में गाइस हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा इसमें 12% के करीब रहेगा, जो कि स्टॉक का सपोर्ट लेवल रहेगा। हमारी जो स्टॉक में एंट्री रहेगी, या तो इसके ब्रेकआउट के अबव रहेगी या फिर थोड़ा डीप में रहेगी, जो कि 48-47 रुपीस का लेवल है, जिससे हमारा स्टॉप लॉस काफी छोटा सा रह जाएगा और ऊपर में हमें टारगेट जो है लॉन्ग देखने को मिलेंगे। स्टॉक में 44 रुपीस का एसएल लगाकर स्टॉक में आने वाले दिनों में 58 रुपीस से लेकर 68 रुपीस के टारगेट के लिए लॉन्ग पोजीशन बना सकती है। स्टॉक में जो गाइस हमारी एनालिसिस आने वाले 1 मंथ से लेकर 1 ईयर के बीच में यह लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, और इसके अगेंस्ट अगर स्टॉक में इसका सपोर्ट लेवल ब्रेक हो जाता है, तो गाइस इसके बाद जो हमें गिरावट देखने को मिलेगी स्टॉक में, गाइस इसके सपोर्ट लेवल तक गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि 36 रुपीस का लेवल है, और जिसको प्राइस रेंज टूल की मदद से देखें गाइस हमें 70% तक की गिरावट स्टॉक में इसके बाद देखने को मिल सकती है। तो आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही। आई होप गाइस आज की जो हमारी एनालिसिस थी हेल्पफुल रही होगी। गाइस वीडियो हेल्पफुल रही हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।